बागपत पहुंचे केंद्रीय मंत्री जनरल बीके सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कि ये किसान आंदोलन नहीं कुछ और ही है। वैसे भी ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का है और फ्री फसल पर एकदम से MSP संभव नहीं है। पहले से ही 22 फसलों पर MSP लागू है और किसानों की मांग के अनुसार एकदम से MSP लागू करना संभव भी नहीं है, इसके लिए समय चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों की हितैषी है और अगर किसान सम्मान निधि और किसानों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को जोड़ दिया जाए तो रक्षा बजट से भी ज्यादा कृषि को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री जनरल बीके सिंह आज सुबह बागपत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल परशुरामेश्वरपुरा महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री ने परशुराम तपोस्थली परशुराम खेड़ा में चल रही प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का भी निरीक्षण किया। प्राचीन मंदिर है, बहुत दिनों से आने की चाह थी, कुछ न कुछ काम आ जाता था और हमने कहा कि इतने दिनों से जो सोच रहे हैं कि मंदिर जाना है तो इसलिए मंदिर आए और पूजा अर्चना की। परेश्वर महादेव यहाँ का जो मंदिर है पूरे देश को प्रसिद्ध है, कावड़ की जगह से शुरू हुई थी। यहाँ अक्सर जो है कुछ निर्माण कुछ विकास की बातें की जाती रही है, स्थानीय सांसद ने भी की है, लेकिन अभी पूरी तरह दिखाई नहीं दी। दिखाई दे, ये सरकार तो विकास के लिए और जो भी कोई कहता है वो तो पक्का विकास होता, देखते जाइए। नया राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, राष्ट्रीय लोकतंत्र ऐसे में किसान आंदोलन चल रहा है तो क्या लगता है? देखिए, किसान आंदोलन राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से नहीं चल रहा है, किसान आंदोलन पंजाब से चल रहा है और जिस तरह की मांगे हैं वो अलग हैं। हम सबको पता है कि MSP पहले से ही लागू हुआ 22 चीज़ों के ऊपर। अब आप कहोगे सब चीज़ों के ऊपर MSP कर दो तो उसके लिए सोचना पड़ता है, कल ही कर दो तो वो फिर ठीक नहीं है। उनका कहना ये है कि पूरे के पूरे देश में पंजाब का नहीं है आंदोलन, ये पूरे देश का आंदोलन है, और बार बार वो कह रहे हैं ठीक है वो देश का आंदोलन सभी कहते हैं लेकिन आंदोलन पंजाब से है और बहुत आप ही लोगों के द्वारा उस आंदोलन की भी बहुत सारी तस्वीरें निकाली गई हैं जो कि उस आंदोलन को कुछ और ही बोलती हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ये सरकार मोदी जी की जो सरकार है किसानों के प्रति जितनी इनकी सहानुभूति किसी की नहीं है। आज किसानों के लिए और खेती बाड़ी के लिए बल्कि किसानों की सब्सिडी, किसानों की सम्मान निधि अगर सबको मिला लिया जाए तो रक्षा बजट से ज्यादा पैसा इसके अंदर दिया जाता है।